और ये हमारी ट्रेन कहाँ पे जा रही है, खाना लेके वो भी। अरे इतना टाइम हो गया, ऐसे गोल गोल घूम के रुक गए, अभी तक खाना नहीं आया। भैया जी खाना दे दो। एक ग्लास किस लिए है? दो दो ग्लासेस। अच्छा डिस्कवर किया है, दिखा। ओ ट्रेन जा रही है वापस, बाय। उसका पासवर्ड हम भूल जा। और ऐसे देखना होता, हिडन कैमरा तो नहीं है? लो भाई। ओहो जोधपुर पहुंच गए हैं, जिसने भी सही गेस करा उनको बधाइयां। इलाहाबाद स्टेशन आ रखे हैं। लो भाई यहाँ पे हमारी ये ट्रेन रेलवे स्टेशन फिर से पहुंच गए, लेकिन ये रेलवे स्टेशन नहीं है, ये तो मेन्यू है। और ये हमारी ट्रेन कहाँ पे जा रही है, खाना लेके वो भी दूसरे। अच्छा ये मेरे को लगा मेरे लिए आया है, लेकिन ये तो दूसरी जगह निकल गई। छुक 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 छुक। हाँ ये मेन्यू दिखा रहे हैं। गुड गुड। हाँ अंग्रेजी पेठा, ठंडा ठंडा, टैंकर भर के मिलेगा। ओके ये सब भी होता है, पूरा रेलवे स्टेशन के फॉर्म में बन रखा है ये हमारा रेस्टोरेंट। यहाँ पे क्रॉसवर्ड भी खेल सकते हैं, यहाँ पे हमारा ट्रेन का इंजन। अरे इतना टाइम हो गया, देखो जी घड़ी ऐसे गोल गोल घूम के रुक गई है, अभी तक खाना नहीं आया। भैया जी खाना दे दो। अच्छा आ जाएगा, सब्र रखते है, ठीक है वेट कर रहे है, आ जाए बस खाना जल्दी से, कर लेंगे हम तो वेट, इंतजार हो रहा है। ये वॉइस ओवर के लिए भी मैंने खाना नहीं खाया है, अभी भी तड़प रहे हैं। खाना दे दो भैया, कितना वेट कराओगे। अरे वहां पे आ गया। ओ ये कहां से आ गया, पिज्जा ट्रेन में नहीं बैठ के आया, डायरेक्ट आ गया। ओहो खाना आ गई, सारी सब्जी आ गई, रोटी आ गई, नान आ गई, चलो जल्दी जल्दी टूट पड़ो खाने के ऊपर। ये ओ ट्रेन वापस जा रही है, बाय 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 बाय, देखो सारे बच्चों बाय। शाही पनीर ले रहे है, अब नान ले रहे है, बटर नान है या नान है सिंपल। ओ ट्रेन जा रही है वापस, बाय। अरे हमारा वो खाना रह गया था, भैया ने वापस दिया, क्योंकि दूसरे स्टेशन पे भी तो जाना है ट्रेन को। अच्छा जी रेटिंग दे रहे हैं खाने को, 3 out of 10, 1-0। और इस एम्बियंस को कितनी रेटिंग देंगे, 9 out of 10, 0, 9 out of 10। और ये खाना पसंद नहीं आया बिल्कुल भी, खाने के लिए थम्स डाउन। कहाँ पे बैठ गए हो? ट्रेन के इंजन पे दो लंगूर बैठे हुए हैं। डिस्कवर किया है, दिखा। ये देखिए नानी लग रही है, इंजन होना चाहिए था ये। रेस्टोरेंट का नाम है वेजिटेरियन, बस यहाँ की डेकोरेशन वगैरह अच्छी है, खाना आप अपने रिस्क पे खाइए। आप भी आपको भी तो आना। चलो भोपू बजा दो अपना। रात को जगमग करता है हमारा जोधपुर, हम ये क्या देख पा रहे हैं, ये एक वहाँ का फेमस होटल है जो सजा हुआ है, पहले मुझे लगा कि ये पैलेस है। चलो हम तो इस होटल में नहीं रुक रहे हैं, लेकिन अपना होटल दिखा। ओहो हम आपको रूम टूर दे देते हैं, सरप्राइजिंगली सही होटल मिल गया सस्ते में। ये थोड़ा सा हमने सिटी के बाहर लिया है, रूम टूर दे देते हैं। ये हो गया हमारा बेड, ये थोड़ा आराम फरमाने के लिए सोफा हो गया हमारा, के बाद पढ़ने के लिए स्टडी टेबल टाइप हो गई। कौन आ गया डिस्टर्ब करने के लिए, आइए पधारिए मारो मेहमान। ये हो गया हमारा बाथरूम, ये हेयर ड्रायर। ग्लास किस लिए है, दो दो ग्लासेस। अच्छा ये अपना थोड़ा सा पास वाला ग्लास, ये दूर वाला ग्लास, ये दाढ़ी के बाल काटने के लिए, थोड़ा सा माइन्यूट बालों को और बड़ा देखने के। ये हमारा हो गया, आपको बताइए क्या हो गया। ये हो गया शावर एरिया, चाय नाश्ता पानी के लिए। ये हो गया हमारा वार्डरोब, जिसके साथ लॉकर भी मिला है, जिसका पासकोड वो सेट हो रहा है और ये क्लियर कर दिया। इसका पासकोड रख देते हैं 1-5-9-8-7 लॉक, मिशन सक्सेसफुल। 1-5-9 जितने भी आज तक हमने लॉकर यूज करे उसका पासवर्ड हम भूल जाते हैं, लेकिन अब इसकी वीडियो बन चुकी है और याद है और ओपन हो गया। इसके अंदर कुछ नहीं है, लाइट डाउन रखी है, ओहो सॉकेट भी दे रखा है, यानी कि अगर आपको लैपटॉप चार्ज करना है इसके अंदर तो आप रख सकते हो और फिर चार्ज भी कर सकते हो। लॉकर के अंदर सॉकेट पहली बार देखा है। इसके अंदर ऐसे देखना होता, हिडन कैमरा तो नहीं है? ये देखो ये अगर टच हो रहा है तो ये कांच नहीं है, इसके पीछे खुला हुआ है, ऐसे करके कुछ ट्रिक थी। ये मिरर नहीं है, ग्लास है, इसके पीछे दिखेगा सब, वो जो बंदा है देख सकता है जो भी हम कर रहे हैं। बेड के ऊपर कूदेंगे, पिलो फाइट करेंगे। ओहो चश्मा बचा के पिलो फाइट, बिना चश्मे के आते हैं पिलो फाइटिंग। बिना पिलो फाइट के गिर रहे। चलो भैया जी जज आ गए हैं, हमारे साथ जज कनिष गुप्ता, जज कर रहे हैं वो कनिष गुप्ता और राघव। राघव यार मैदान में लंग काटते हुए कनिष भैया को, चलो मारो भाई, मारो 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 धराधर मारो, गिरा गिरा के मारो, उठा के मारो, उठा के फिर गिराओ, गिरा के फिर उठाओ। और ये क्या हमने देखा, कनिष ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी, कनिष ने अपने हथियार फेंक दिए, फिर मारो। ओ भाई साहब नीचे से घुमाते हुए राघव को फंसाते हुए फिर से नीचे ले लिया, राघव भी कुछ कम नहीं फिर से गिर के खड़ा हो गया, और दोनों फिर से एक दूसरे को मारते हुए एक हाथ
हाथ से, दूसरे हाथ से, दूसरे हाथ से, पहले हाथ से। अरु दीदी साइड से जाते हुए विघ्न डालते हुए ऑडियंस के लिए ये राघव पूरा चढ़ के खींचते हुए नीचे की तरफ, कनिष्क हारनी मारते हुए फिर से उठ के दो मारते हुए, ये काफी बेहतरीन ग्राउंड वर्क करते हुए, कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन किसको मार रहा है ग्राउंड पे, लेकिन कोई ना कोई तो पिट रहा है। और इसी के साथ मैच की समाप्ति। पिलो फाइटिंग, कूड़ा करकट यहाँ पे फेंका जाता है, इसको जला के कंबशन करके पिछली बार हमने।